फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रही हूँ वो है मुंबई में स्थित एक जगह ज्योतिषरीज। यहाँ काफी किस्से हैं वैसे, पर उनमें से ही एक है। यार क्या फालतू गिरी है, ये नेता लोग आज फिर हमारे ग्राउंड पे कब्जा कर लिया, रैली निकाल रहे हैं, अब हम कहाँ खेलें? फिर कहते हैं कि इंडिया स्पोर्ट्स में मेडल क्यों नहीं लाता। हाँ यार, मेरा तो बहुत मन है क्रिकेट खेलने का, पर अब क्या, चल घर चलकर पबजी खेलेंगे। कम ऑन फ्रेंड्स, डोंट बी अ बोर, हम लोग ग्राउंड क्रिकेट ना सही, गली क्रिकेट खेलते हैं। तू मुंबई में रहती है अनन्या, यहाँ 5 फुट जमीन अगर दिख जाए तो लोग 6 फुट की गाड़ी खड़ी कर देते हैं। यहाँ कोई गली नहीं है जहाँ हम खेल सकते हैं। याद आया, अभी 3 दिन पहले मैं कॉलेज से आया था तो यही पास में पुरानी मस्जिद के पीछे एक छोटी सी गली है जहाँ कोई भी नहीं था, ना कोई गाड़ी ना इंसान, वहाँ ट्राई करें। वो गली? अरे वाह, सुना है खतरा है, भूतिया जगह है वो, इसलिए वहाँ कोई आता जाता नहीं है। क्या कहा, भूतिया? लोग बिना दकियानूसी बातें करते हैं, पर अच्छा है इसी बहाने हमको खेलने की जगह मिल जाएगी। चलो सब लोग। मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ। चल ना सनी, नाटक मत कर, तेरे बिना कैसे खेल सकते हैं, तू ही तो हमारा गावस्कर है। बढ़िया जगह है ना, मैंने ढूंढा, यहाँ कोई नहीं आता है, हम यहाँ आराम से खेल सकते हैं। अभी वो देख, राक्षस का सर, कितनी डरावनी जगह है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सनी सनी, बी अ मैन, चल विकेट लगा। देख उसकी, ये लड़की होके भी नहीं डरती है, और तू? व्हाट यू मीन लड़की होके? चलो टीम बनाओ और मैं दिखाती हूँ ये गेम लड़कियों का है या लड़कों का। यार कुछ भी हो, ये जगह है तो बहुत अजीब, स्पेशली वो सामने वाली कोठी, कितनी पुरानी है और जाले लगे हुए हैं, लगता है इसमें कोई रहता नहीं होगा। भाई ये वो हवेली है, कहते हैं इसमें जो जाता है वापस नहीं आता, जरा ध्यान से खेलना, कहीं बॉल उधर ना जाए। हमने टीम बना ली है, चलो अब गेम शुरू। तो इस तरह से बच्चे गेम खेलने में व्यस्त हो गए। कम ऑन अनन्या, यू कैन डू इट, इनको दिखा दे शॉट। ये क्या किया, सीधा हवेली में, सेकेंड फ्लोर पे गई है बॉल, कितना लंबा शॉट मारना, आउट है, हम जीत गए हम जीत गए। अभी इसे कैसे, तू बॉल लेके आ, मेरी बैटिंग अभी बाकी है। बॉल? बॉल मैं नहीं लाऊंगा, वो हवेली में मैं नहीं जाऊंगा, करंट तू जा। अरे मैं तो बॉलर हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? कोई तो जाओ रे तुम्हारी टीम से, इसको भेजो। ना मुन्ना ना, रहने दो, तुमसे ना हो पाई, मैं जाती हूँ। शर्म करो कमीनो, पर अनन्या तुम अकेले मत जाओ, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। वाह वाह, देख भाई हमको डर लगा तभी तो तेरे को चांस मिला अनन्या के साथ। रुको तुम लोग, हम बॉल लेके आते हैं, पक्का देखा ना तुमने कि सेकंड फ्लोर पे ही गई है? हाँ हाँ, टॉप फ्लोर ही गई है, मैंने देखा था, जल्दी जाओ और लेके आओ, और हाँ संभल के जाना। चल अनन्या, लुक एट दिस, ये पेंटिंग कितनी अजीब है, और इस पे ये रेड पेंट तो जैसे सूखा भी नहीं है। बढ़िया, आर्टिस्ट अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, कई बार पेंट्स पर ग्लॉस यूज करके उसको एवर फ्रेश लुक दे सकते हैं। रियली? एकदम इल्यूजन जैसा है, लेट मी टच। वेल ये फ्रेश पेंट ही है, हाथ में लग गया। उप्स, फिर तो वाकई अजीब है। चलो ऊपर चलो, बॉल लेके निकलते हैं यहाँ से। इतनी बड़ी बिल्डिंग मुंबई के अंदर ऐसे ही वीरानी पड़ी है, आई एम श्योर इसका मालिक बहुत अमीर होगा,
वरना यहाँ रियल एस्टेट तो या तो वो या फिर कोई कोर्ट केस, भाई भाई में झगड़ा। न मैं लूंगा न तेरे को लेने दूंगा। पर सरप्राइज इस बात का है कि इसमें कोई इल्लीगली रहता क्यों नहीं। एक्चुअली बहुत जगह है और कोई सिक्योरिटी भी नहीं। फर्स्ट फ्लोर पे तो ताला लगा है रवि, अगर सेकंड फ्लोर में भी हुआ तो कैसे मिलेगी बॉल। चलो देख लेते हैं, अभी एक मिनट में पता चल जाएगा। यहाँ एक फोटो पड़ा है, एक जंगल में एक क्रिश्चियन ब्राइड अपने शादी के जोड़े में, और पीछे कुछ दुआ जैसा है। बॉनफायर वेडिंग क्या? बढ़िया है। एनीवे वो रही अपनी बॉल, अभी ले लेता हूँ और चल यहाँ से निकलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। ठीक है, वैसे आज का गेम तो हम जीत जाएंगे। ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? हवा रवि, और क्या, जस्ट पुल। रुक अनन्या, मैं खोलता हूँ। स्ट्रॉन्ग, आई एम इम्प्रेस्ड। ऊपर से कुछ आवाज आई। होगा यार कुछ, तू चलना अब, गेम कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक काम कर, मैं तो वैसे भी आउट हूँ, तू आगे चल और गेम शुरू करवा, मैं बस ऊपर एक नजर मार के आई। ओके अना, जल्दी आना। बाय। करण ने कहा था कि सेकंड फ्लोर टॉप फ्लोर है, फिर ऊपर तो मोस्टली टेरेस होगा। यहाँ तो एग्जिट ही नहीं है, ये स्टेयर्स तो और भी ऊपर जाती है, शायद और ऊपर होगी। ठीक है, यहाँ भी नहीं, थर्ड फ्लोर ही लिखा है और कोई दरवाजा नहीं, कुछ गड़बड़ है, मैं वापस जाती हूँ। ये क्या, ये तो सेकंड फ्लोर था ना। फिर उस दिन के बाद अनन्या को किसी ने नहीं देखा। दरअसल उस बिल्डिंग में कोई थर्ड फ्लोर था ही नहीं।